गाइस गियरबेस्ट की तरफ से आने वाला है ये मिनी प्रोजेक्टर, होम वीडियो प्रोजेक्टर। इसमें होम थिएटर भी है और एक प्रोजेक्टर भी है। इसकी हम करते हैं अनबॉक्सिंग। गियरबेस्ट की तरफ से ये मुझे भेजा है, लगभग इसकी प्राइस 6,500 के आसपास में है। बॉक्स कंटेंट है सबसे पहले, इसमें एक रिमोट, सेल नहीं लगी होगी, सेल इसमें अलग से मुझे लगाना होगा। यहाँ पे मुझे मिला है एक पावर के लिए एक छोटा सा केबल, इसके बाद यहाँ पे है AV एडाप्टर और यहाँ पे HDMI केबल, यानी इसको HDMI के थ्रू TV वगैरह या फिर लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह में भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे है मल्टी लैंग्वेज का मैनुअल, तो अलग अलग लैंग्वेज में आपको मैनुअल भी है। ये शायद एक छोटा सा स्क्रू रह गया, चलो देख लेते हैं आगे और क्या क्या है बॉक्स के अंदर। जो पैकिंग है कुछ इस तरह का है, गियरबेस्ट की तरफ से ओरिजिनल पैकिंग है। मैंने इसको अभी तक खोल के यूज़ नहीं किया है, तो मैं अभी खोलता हूँ, दिखाता हूँ उसके रिव्यू वगैरह कैसा है, परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है, सेट गर्म तो नहीं होता, मतलब ए टू जेड सभी बातें इस पर हम लोग देखेंगे। जो फर्स्ट लुक है देखने में, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये जो प्रोजेक्टर है मिनी प्रोजेक्टर है, हालांकि ये पॉकेट प्रोजेक्टर मैं इसको नहीं बोल सकता हूँ, पॉकेट प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग मैंने पहले भी बनाई थी। आगे में यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है जिससे आप अपने रिमोट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आगे की साइड में एक यहाँ पे लेंस लगा हुआ है जो कि काफ़ी पावरफुल लेंस लग रहा है। यहाँ पे है एक एडजस्ट करने के लिए, फोकस करने के लिए अपने हिसाब से, इसको देखो लेंस जो है आगे पीछे हो रहा है, अपने हिसाब से इसको फोकस कर सकते हैं। जो इसकी इमेजेस की साइज होती है 24 इंच से लेकर 130 इंच तक की ये हो सकती है, और जो इसकी डिस्टेंस है वो लगभग 1 मीटर से 4 मीटर के बीच में आपको रखना पड़ता है। पीछे की साइड में यहाँ पे आपको HDMI के लिए यहाँ पे पोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे IR यानी रिमोट कंट्रोल के लिए IR सेंसर जो है पीछे भी है और आगे भी है। AV का यहाँ पे कनेक्शन और यहाँ पे 3.5mm की जैक है जिसकी आप लगा के भी म्यूजिक वगैरह यहाँ सुन सकते हैं। पीछे के साइड में शायद ये फैन हो सकता है, और इस साइड की हम बात कर लें लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पे एक स्पीकर है, यहाँ पे भी एक स्पीकर ये हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर पावर कनेक्शन के लिए यहाँ पे TV का कनेक्शन है, TV को डायरेक्ट आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप VGA पोर्ट है जो कि आप लैपटॉप वगैरह या फिर डेस्कटॉप में अलग से कुछ भी डिवाइस मॉनिटर वगैरह लगा सकते हैं। USB का पोर्ट और SD कार्ड भी डायरेक्टली यहाँ माउंट कर सकते हैं। ऊपर के साइड में मेन्यू का बटन, पावर का बटन और बैक का है, यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए पूरा दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम अभी करते हैं क्या, एक लाइट को ऑफ करते हैं और कुछ भी पेन ड्राइव में डाल के आपको दिखाते हैं कि इसकी जो वीडियो है उसकी क्वालिटी कैसे है, ग्रेन्स वगैरह आ रहे हैं कि नहीं। गाइस तो मैंने प्रोजेक्टर ऑन कर लिया है, अपना पेन ड्राइव लगा दिया है। यहाँ पे सबसे पहले मूवी का ऑप्शन, म्यूजिक, फोटो, इसके बाद टेक्स्ट। तो आपको आपके पेन ड्राइव में क्या क्या है, चलिए मैं अभी देख लेता हूँ मूवी के में क्या क्या मेरे पास आ रहा है। यस, ये मेरा वीडियो था गाइस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पीकर है वो बिल्ट इन स्पीकर है, तो आपको आवाज़ भी आ रही होगी, आप सुन सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। चलिए मैं फोटो के अंदर में देखता हूँ, मैंने कुछ फोटो भी डाला था अपने। गाइस ये देखिए फोटो जैसे मैंने लगा के इसको, अब चलो एक एक करके मैं आगे दिखाता हूँ फोटो वगैरह। थोड़ा सा लैग कर रहा है जरूर, ये अंडमान टूर था, मैंने गया था घूमने, वहाँ का फोटो है। चलिए मैं नेक्स्ट पे करता हूँ क्लिक, देखो ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट है इमेजेस। ये इसी तरह मैंने क्लिक किया था रैंडमली, तो पिक्चर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है नो डाउट। मैंने स्लाइड शो में इसको लगा दिया है, इस वजह से ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है, बट आई थिंक स्पीड ठीक ठाक है इसका, उतना लैग नहीं करता है। हाँ थोड़ा सा आप अगर PC लैपटॉप मोबाइल के कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे उसके कंपेयर में तो थोड़ा सा ये स्लो डिवाइस होता ही है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोसेसर नहीं होते, बहुत ज़्यादा रैम नहीं होता है, तो वो होता है। ये एक्चुअली में विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वाला है, इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम वाली भी आते हैं जिसमें नूगेट आपको एंड्रॉयड 7.0 वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, 1 GB रैम वगैरह मिलेगा, ये बिना ऑपरेटिंग सिस्टम वाले, उसके प्राइस थोड़े इससे ज़्यादा है। लेकिन ये देख लीजिए फर्स्ट क्लास है, क्योंकि पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन वगैरह हमें वो दिखाना पड़ता है उसमें बहुत फास्ट यहाँ पे मूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इनफैक्ट मेरे ख्याल से तो अगर उस हिसाब से बजट के हिसाब से ठीक है, वैसे 40,000-40,000 का भी सोनी का प्रोजेक्टर स्टार्टिंग रेंज में है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्टर होता है, तो वो लोग का जो क्वालिटी होता है वो इससे काफ़ी सुपर फाइन क्वालिटी होता है, बट काम चलाने के लिए 6,000-7,000 में मिल रहा है, तो आई थिंक ये बेटर है आपके लिए। इसकी क्वालिटी आप खुद देख लीजिए, मैंने अभी जूम किया है, आई थिंक क्वालिटी बेटर है। स्पीकर भी अंदर में मिलता है होम थिएटर जैसे बता रहे हैं, हालांकि स्पीकर की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, मैं क्लियर बात बताऊँ, फ्रेंकली बताता हूँ कि स्पीकर बहुत अच्छा नहीं है, हाँ लेकिन आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं, यही है। इसमें बेस वगैरह कुछ ऐसी क्वालिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। ये मैंने एक व्लॉग म्यूजिक डाला था गाइस, तो यही है एक छोटा सा ओवरलुक प्रोजेक्टर का। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये सिर्फ gearbest.com पे ही मिल रहा था, तो मैंने gearbest वाले ने मुझे भेजा था, तो मैं सोचा आप लोग से शेयर करूं। उम्मीद है कि वीडियोस काफी पसंद आई होगी, अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।